गाजा में युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में लाया गया प्रस्ताव खारिज हो गया है। दरअसल रूस जो प्रस्ताव लाया उसमें हमास के इजरायली नागरिकों पर किए गए बर्बर हमले का जिक्र ही नहीं था। ऐसे में पश्चिमी देशों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। रूस ने प्रस्ताव लाकर मांग की थी कि गाजा में आम नागरिकों के खिलाफ हिंसा हो रही है, जिसे देखते हुए युद्ध को रोक दिया जाए, लेकिन प्रस्ताव खारिज हो गया। 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास होने के लिए 9 वोटों की जरूरत थी, लेकिन प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 4 देशों ने मतदान किया, जबकि 4 देशों ने इसके खिलाफ वोट दिया। रूसी प्रस्ताव के समर्थन में जिन देशों ने वोट किया उसमें चीन, संयुक्त अरब अमीरात, जोमांबिया और गैबोन शामिल है। वहीं प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस शामिल हैं, जबकि 6 देश मतदान में शामिल ही नहीं हुए। We are deeply disappointed with the results of the voting. They will be telling us that that happened because Russians didn't consult the council. That is not true. We gave nearly 4 days for comments. No comments were received, except for one delegation that broke the silence on the resolution. There is nothing in the resolution that can be contested because it's purely a humanitarian one, and the only reason why the resolution didn't pass was because they didn't want to support anything coming from Russia, and we know that they spoke behind the doors that they cannot afford it. इजराइल हमास के बीच जारी जंग को करीब 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक संयुक्त राष्ट्र की सबसे अहम निकाय सुरक्षा परिषद जंग को रोकने में विफल साबित हुई, जबकि उसकी जिम्मेदारी है कि वैश्विक शांति और सुरक्षा निश्चित की जाए। इस जंग में अब तक दोनों तरफ से सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई है, जिनमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं। गाजा पर रूसी प्रस्ताव पर मतदान से पहले रूसी राजनयिक बेसिलिन नेम्बाजिया ने भी सदस्य देशों के समर्थन मांगते हुए कहा कि गाजा संकट में है और इसमें हताहतों की संख्या हर घंटे बढ़ रही है। रूसी राजनयिक ने इसराइल और गाजा में आम नागरिकों की मौतों की भी कड़ी निंदा की है, लेकिन प्रस्ताव खारिज होने के बाद बेसिलिन नेम्बाजिया ने ये भी कहा है कि एक बार फिर साबित हो गया है कि सुरक्षा परिषद पश्चिमी देशों के स्वार्थों की बंधक है और ये बीते दशक की सबसे गंभीर हिंसा रोकने के लिए एकजुट संदेश देने में विफल रही है। वहीं अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने भी कहा है कि रूसी प्रस्ताव में हमास का जिक्र ही नहीं है, जबकि हमास ने इजरायली नागरिकों, यहूदियों को तबाह करने की नीयत से हमला किया। रूस हमास की निंदा नहीं कर इस आतंकी संगठन के बर्बर कृत्य का बचाव कर रहा है। हमास के हमले की वजह से ही गाजा में ये गंभीर मानवीय संकट पैदा हुआ है। अमेरिकी राजदूत ने गाजा में जारी हिंसा की भी निंदा की, लेकिन ये भी कहा कि आतंकी हमले का जवाब देना इसराइल का अधिकार है। वहीं ब्रिटेन की राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने भी रूसी प्रस्ताव की निंदा करते हुए कहा कि इसराइली पर हुए इसके इतिहास के सबसे बर्बर हमले को इस प्रस्ताव में नजरअंदाज किया गया है। स्पेशल रिपोर्ट, AMB नेटवर्क।